जेंटलमैन, मैं आज ICSB की इंटरव्यूज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं इनिशियल टेस्ट की तैयारी वीडियो बनाऊँगा जो कि ARC में लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ICSB स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ICSB में जो टेस्ट लिए जाते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, दूसरा नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, तीसरा एकेडमिक टेस्ट। लेकिन इन तीनों को पास करने के बाद ही आपको कहा जाता है कि यू आर सक्सेसफुल टू पास द टेस्ट। मतलब इन तीन टेस्ट को आप पास करोगे तो वो मानेगा कि आपने एक ही टेस्ट पास किया और आपको फिर नेक्स्ट टेस्ट पे भेज दिया जाता है। अच्छा, इन तीनों में सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। इसमें 96 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स होते हैं। पासिंग स्कोर होता है 50+ क्वेश्चंस। अगर आपने 50+ क्वेश्चंस किए तो आपका टेस्ट पास कंसीडर किया जाएगा, और अगर इफ यू स्कोर लेस देन 50 तो आपको स्क्रीन पे सॉरी ट्राई अगेन नज़र आएगी। लेकिन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि नोट ये करें कि इफ यू फेल्ड इन दिस टेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू स्टे मोर। मतलब कि अगर आपने ये पहला इंटेलिजेंट टेस्ट फेल कर दिया तो इसका मतलब है कि आप मज़ीद आगे नहीं जा सकते हैं, मतलब दूसरे टेस्ट के लिए नहीं बैठ सकते। अच्छा इस टेस्ट में किस किस्म के क्वेश्चन आते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक टाइप, इनमें तकरीबन 10 किस्म के क्वेश्चन आते हैं, 10 टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप्स को कंप्लीशन और सीरीज टेस्ट कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पहला क्वेश्चन ही इसी टाइप से आएगा, किसी भी टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा, आपको क्वेश्चन इस तरतीब से दिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 राइट नेक्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल आपको पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3, 5, 8, सो ऑन। तो आपको कहा जाता है कि 8 के बाद कौन सा लेटर आएगा। आपको नीचे चार ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 12 एंड डी ऑप्शन है 16। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, 0 जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं FEC में, जिन्होंने मैथमेटिक्स की है मे बी, वो जानते हैं कि ये एक फिबोनाची सीरीज़ है। अच्छा, इस सीरीज़ में क्या होता है, ये 0 नंबर है, ये 1 है, ये 0 और 1 एक दूसरे के साथ ऐड होता है तो नेक्स्ट वर्ड वही आता है। 0 और 1 को जब ऐड करते हैं तो इससे क्या आता है, 1। जब 1 और 1 को ऐड करते हैं तो इससे 2 आता है, जब 2 और 1 को ऐड करते हैं तो इससे 3 आता है, और जब 3 और 2 को ऐड करते हैं तो 5 आता है। इसी तरह स्वान, जब हम 5 और 8 को ऐड करेंगे तो इसका हमारे साथ आंसर आएगा 13, जो कि बी करेक्ट आंसर है। तो आपका आंसर देखिए करेक्ट बी है। ठीक है, इसी तरह और क्वेश्चन आते हैं, राइट अ नेक्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल 0, 3, 7, 12, 18। तो आपको कहता है कि इसके नेक्स्ट वर्ड्स क्या आएगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो इसमें भी एक ख़ास सीक्वेंस है, 0 से 3 तक अगर आप काउंट करें तो फॉर एग्जांपल 1, 2, दो फिगर्स को दरमियान में छोड़ा गया तो थर्ड फिगर को लिख दिया गया, फिर 3 के बाद 4, 5, 6, इन तीन फिगर को छोड़ दिया गया और उसके बाद जो आता है, फिर 7 के बाद 4 फिगर्स को छोड़ दिया, बाद में आने वाला लेटर लिख दिया। इसी तरह 12 के बाद 5 वर्ड्स को छोड़ दिया गया उसके बाद, तो 18 के बाद हम 6 नंबर छोड़ेंगे और 7 नंबर में जो आएगा वही हम लिखेंगे। तो 18 के साथ 6 को ऐड करें तो 24 आता है, और 1 को उसके साथ ऐड करें तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा, जो कि 25 आता है। इसी तरह आप एक दूसरे किस्म, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, राइट अ नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर आपने लिखना है AEI लिखा गया है। ठीक है, आपको कहता है कि आपने नेक्स्ट नंबर लिखना है, तो आप सीधी सी बात है, AEIOU ये एक वावल नंबर से, यहाँ A लिखा है, E लिखा है, IOU, तो इसके बाद O आता है ना कि U आता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर भी है। सॉरी, ये क्या आया। अच्छा, तो आप अभी देख लें क्या होता है। अच्छा, सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस तरह होते हैं, एज रिलेशन आर एनालॉगी टेस्ट उसको कहते हैं।
फॉर एग्जांपल आपको दिया जाता है एक क्वेश्चन इन रिटन फॉर्म में, जैसे कि कंप्यूटर पे आपको नज़र आएगा बूट इज़ टू फुट एज ग्लव्स इज़ टू, इसका मतलब है कि जूते पाँव के लिए होते हैं तो ग्लव्स दस्ताने जिसको कहते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो वो क्लॉथ्स के लिए तो नहीं यूज़ होते हैं, डेफिनेटली हैंड्स के लिए यूज़ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। तो इसी तरह आप मज़ीद क्वेश्चन भी दें कि हमें कमेंट में से लिख दे, हम उसका जवाब देंगे अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल हो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या आता है, बेड फॉर स्लीप एंड चेयर फॉर सेट, बेड में लोग सोते हैं तो चेयर में क्या करते हैं, सेट बैठते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपके पास सी है। तो इसी तरह जब ये एक छोटा सा मैंने आपको वर्बल इंटेलिजेंट के एक टाइप के क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए, आपको मज़ीद क्वेश्चन बताने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ, ठीक है। अब तक अपने ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।